क्या आप भी यही सोच के परेशान हो कि आपकी इवेंट कंपनी कैसे शुरू होगी शुरुआत में? क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले सीए के पास जाते हैं, लीगल एडवाइजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी कंपनी ना रजिस्टर कर दो। कंपनी रजिस्टर करवाने के अंदर वो अपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहीं पर लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये काम आप मत करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस शुरू कर देते हैं, एक लोकेशन पे ऑफिस ढूंढते हैं, फर्नीचर लेते हैं, सामान लगाते हैं, उसको डेकोर करते हैं, सुंदर सा बनाते हैं और इसमें अपना बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि आप ऐसा बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कहते हैं ये नाम होगा, वो चीज होगी, उसमें अंदर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, डोमेन लेने में, होस्टिंग लेने में, इन सारी चीजों के अंदर। और मैं आपको बता देता हूं ये भी आप बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले बिजनेस शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू कर देते हैं और उसके अंदर अपने अलग अलग आइडियाज लेके आते हैं, अलग अलग चीजें लेके आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं और बस ये भूल जाते हैं कि किसका क्या काम था क्या नहीं था। इस चक्कर में वो बिजनेस भी बंद हो जाते हैं और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये भी आप बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रूम में बैठ के अपने सपनों के अंदर इतने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, इतने बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि पूछो ही मत। और वो क्या करते हैं, सिर्फ प्लान ही प्लान बनाते रहते हैं लेकिन कभी भी उन चीजों को एक्शन में नहीं लाते। तो वो भी आप बिल्कुल मत करना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी सेविंग, सारे पैसे जो उन्होंने इकट्ठा करे हुए थे, इवन दोस्तों से लोन लेके, इधर उधर से लोन लेके अपना बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं और वो बिजनेस शुरू करने के लिए बाहर से पैसा लेते हैं, अपना सारा पैसा डाल देते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा मत करना। तो सवाल ये आता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? द थिंग इज दैट हमें क्या करना है, ना हमें प्लान बनाने में ज्यादा टाइम लगाना है, ना ऑफिस लेने में टाइम बनाना है, ना हमें मार्केटिंग में ज्यादा टाइम लगाना है, ना ब्रांडिंग के ऊपर काम करना है, ना दोस्त ढूंढने हैं, ना अकेले काम करना है, ना फंड उठाने हैं, ना लीगल के पास जाना है, ना रजिस्टर कराना है। तो करना क्या है? द थिंग इज दैट आपको अपने आप से सबसे पहले अगर बिजनेस शुरू करने वाले हो तो करने हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसलिए करने हैं क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आपको मिलेगी क्लैरिटी कि आपको सही में क्या करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, गीता के अंदर हुआ क्या था, वो जो गीता है ना कोई अध्याय, कोई उपनिषद, कुछ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर हैं जो हर के दिमाग में आ सकते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो सारी चीजें। सो द थिंग इज दैट सबसे पहले हमें अपनी कंपनी शुरू करने से पहले हमें पूछने हैं कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां लिख के देता है, वही डॉक्टर, कुछ डॉक्टर होते हैं जो सर्जरी करते हैं जिनको हम सर्जन बोलते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं सिर्फ दांतों का इलाज करते हैं डेंटिस्ट बोलते हैं, या फिर हम कोई स्पेसिफिक डॉक्टर कार्डियो का हो गया, अलग अलग डॉक्टर। सो सेम ऐसा इवेंट के अंदर बिजनेस में भी होता है, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आपको किस टाइप का बिजनेस करना है, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि किस टाइप का बिजनेस करना है तो आगे के क्वेश्चंस और इजी हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, आपको ये अकेले करना है सोल प्रोवाइडरशिप या फिर किसी के साथ करना है। अगर आप अकेले करते हो तो उसका एडवांटेज ये, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, अगर आप किसी के साथ करते हो तो आप बहुत लंबे टाइम तक आगे बढ़ोगे। सो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, उसको कैलकुलेट करके आपको इसका आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन कि आपका रिवेन्यू सोर्स क्या होगा, क्योंकि पैसा ही है जो एक बिजनेस को जिंदा रखता है, मतलब उसको चलाता है। अगर पैसा आना बंद हो गया तो बिजनेस होके भी वो ढांचा ही है, जैसे कहते हैं ना शरीर के अंदर अगर आत्मा ना हो तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर पैसा ना हो तो कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले तीसरे नंबर में हमें ये देखना है कि हमारे रिवेन्यू सोर्स क्या है, कौन कौन से हैं और कहां कहां से हमें रिवेन्यू मिलने वाला है। हमारा चौथा क्वेश्चन कि हमारे एक्सपेंस कहां कहां पे हो सकते हैं और कहां कहां से बच सकते हैं, तो हमें ये चौथे क्वेश्चन में ये क्लियर आउट करना है। पांचवा क्वेश्चन कि हमारी टीम में कौन कौन लोग होंगे और उनके क्या क्या रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, उनका काम क्या होगा, उसका काम कितना जरूरी है हमारी इवेंट कंपनी के अंदर। हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट सिक्स क्वेश्चन वो ये कि हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि एक मार्केटिंग ही एक रास्ता है जिसके थ्रू आपको नए कस्टमर मिलने वाले हैं, राइट? तो मार्केटिंग आप कैसे करने वाले हो, मार्केटिंग
किसके लिए करनी है और कस्टमर कौन सा है, तभी आप उसके लिए सही मार्केटिंग कर पाओगे। और मार्केटिंग के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, कितना टूल है, कितना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो, लोग कैसे आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जब ये सारे 6 के 6 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए तो आपको मिल जाएगी एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो आपको बार बार ऐसी और वीडियोस नहीं देखनी पड़ेंगी, मतलब ये आपके लिए लास्ट बेस्ट वीडियो हो सकती है, लेकिन अगर आप इन 6 क्वेश्चन के आंसर दोगे तो। उसके बाद बात आती है कि अगर हमारे पास क्लैरिटी आ गई, ठीक है, अभी हमें क्लियर हो गया कि अच्छा ये करना है, तो कहने का मतलब यह है कि हमें अगर बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी। जब हमें ये 6 क्वेश्चन के बाद क्लैरिटी मिल गई तो उसके बाद हमें चाहिए होता है और कुछ, और वो क्या है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वेडनेसडे हम आएंगे इसी तरह और उसके ऊपर बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आफ्टर द क्लैरिटी, हमें क्या चाहिए होता है, हम वो डन करेंगे और आगे बाकी सारी चीजें डन करेंगे और फिर अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे चांसेस ये होगा कि आपका बिजनेस फेलियर की जगह सक्सेसफुल बन सकता है। और अगर आप ये फॉलो नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। सो इसी के साथ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे। दिस साइड पीयूष, बाय।